और सबसे ज्यादा जो चीज हम जिस चीज पे फोकस करते हैं जिसमें हमें फोकस नहीं करना चाहिए वो है कपड़े लेने में। हम शुरू में बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं शॉप शॉप में और जो है बच्चे पहन भी नहीं पाते हैं क्योंकि मोस्टली शुरू में बच्चे कपड़े गंदे कर ही नहीं रहे होते हैं, ना वो खा रहे होते हैं ना पी रहे होते हैं, ज़्यादा फीड करते हैं सो जाते हैं, फीड करते हैं सो जाते हैं। तो मैक्सिमम भी मैं दिन में 3 दफ़ा जरा को कपड़े चेंज कराती थी मैक्सिमम, वरना तो 2 दफ़ा ही बहुत होता था। या आपका शौक है तो आप 3-4 दफ़ा करा लें कपड़े चेंज, लेकिन बहुत क्योंकि उस बच्चों को शुरू में गिफ्ट्स भी कपड़े ही मिल रहे होते हैं तो कपड़े जो हैं बहुत ज़ाया भी हो जाते हैं, बिल्कुल पहने भी नहीं जाते हैं। तो टाइम टू टाइम क्योंकि बच्चे शुरू में जो है दिनों में बढ़ा होता है तो महीने के हिसाब से 1-0 to 3 और 3 to 6 इस तरह जो है कपड़े हमें फिर, या तो फिर अगर हम कपड़े बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर हमें इनके साइज़ के हिसाब से कपड़े लेने चाहिए ताकि बहुत एक ही वक्त के बहुत ज़्यादा कपड़े ना बंडल अप हो जाएँ और फिर वो ज़ाया हो। अच्छा उसके अलावा पिलो सेट्स वो जो पूरा होता है बच्चे का, वो आई डोंट थिंक बच्चे को शुरू में ज़रूरत होती है, बच्चे ने ना इधर रखना होता है ना उधर रखना होता है तो वो पिलो सेट की भी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम अगर आपके पास कॉट है या क्रिब है तो उसके लिए तो हम फैंसी करने के लिए उसको हम रख सकते हैं, लेकिन बच्चे को कोई खास ज़रूरत होती नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना मैं समझती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेबी कैरियर जो होता है जिसमें बच्चा आ जाता है वो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल भी होता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं था क्योंकि मेरी बैक में और शोल्डर से बहुत पेन होता था जब मैं ज़्यादा को उसमें कैरी करती थी, तो मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा क्योंकि मेरी बैक में इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं उसे कैरी ही नहीं कर पाती थी, तो फैसल कैरी कर पाते करते थे और फैसल के भी बैक में पेन हो जाता था। तो बेबी कैरियर आप लें तो बहुत बैक सपोर्ट के साथ लें, अदरवाइज बैक सपोर्टेड ही था मेरा चीकू का था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। उससे बेहतर आई थिंक वो है वो जो रैप नहीं कर लेते उस तरह, आई थिंक अगर वो मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन बहुत से लोग उसको रिकमेंड करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, बहुत ज़्यादा मॉल्स में घूमना है इस तरह। अच्छा उसके अलावा फैंसी क्लोथ तो बिल्कुल नो नो है, और लड़कियों के लिए जो हम फैंसी फ्रॉक्स ले लेते हैं वो तो बिल्कुल नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं शुरू में जब बिल्कुल बिल्कुल शुरू में जो बच्चे लेटे हुए होते हैं तो वो बेचारे फैंसी क्लोथ पहन के क्या करेंगे, बिल्कुल लॉन के कपड़े पहने तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत हो गया तो कॉटन की फ्रॉक्स जो प्यारी प्यारी आती हैं वो पहनाते हैं, लेकिन फैंसी क्लोथ्स ना लें क्योंकि वो फिर ज़ाया होंगे, बच्चा पहनेगा नहीं, बच्चा इरीटेट होगा और आपके अरमान वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा उसके अलावा मिटन्स जो है कुछ बच्चे बहुत शौक से पहनते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पहने तो वो मेरे मस्टर्स में नहीं आएगा। उसके अलावा मिटन्स जो है बच्चे खा लेते हैं तो वो और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, तो इसलिए मुझे मिटन्स नहीं पसंद है। और जो वो जो नेल कटर सेट होता है वो मस्टर्स में आएगा क्योंकि शुरू में बच्चे जो है मेरे साथ तो हुआ कि जन्म के हर 3-4 दिन बाद नेल्स बढ़ जाते थे और मुझे फौरन कट करने पड़ते थे क्योंकि सारे बच्चे हाथ मुंह पे लगा रहे होते हैं तो उससे उनको निशान पड़ जाते हैं और अच्छे नहीं लगते और अपने आप को हर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपना फेस तो बहुत ज़्यादा नोच रहे होते हैं तो वो अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, इसलिए नाखून जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको ख्याल रखना पड़ता है और नाखून जल्दी काटने पड़ते हैं और इसलिए भी काटने पड़ते हैं कि उनमें डर्ट ना आ जाए क्योंकि वो मुँह में भी ले रहे होते हैं जिससे जम जाते हैं उनके मुँह में। अच्छा अभी मैंने मस्ट हैव्स में बॉटल की बात की थी, अब मैं यहाँ पे बात करूँगी टू मैनी बॉटल्स। अच्छा हमें अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं बताती चलूँ कि हमें कौन सी बॉटल लेनी चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, नैरो नेक भी है, वाइट नेक भी है, सिलिकॉन भी है और बहुत सारी स्टीप भी है और महंगी से महंगी भी। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमें बच्चे अगर हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वाइट नेक बॉटल लें जो कि क्लोज टू नेचर होती है,
मैंने जैनब को दो दी बॉटल्स, जैनब ने नहर बॉटल मेरे को रिजेक्ट कर दी। जैनब टॉमेटो पिक यूज़ करती है जो कि वाइट नेक है, क्लोज टू नेचर है। जैनब ने 3 मंथ्स के बाद बिल्कुल बॉटल नहीं ली, और उसके बाद जो है जैनब सिपर यूज़ करती थी। 6 मंथ्स के बाद जैनब ने सिपर से पानी, जूस, दूध तो उसने नहीं किया, लेकिन ये सारी चीज़ें सिपर से करती थी, पीती थी। सिपर से दूध भी मैंने देने की ट्राई की तो सिपर से ही उसने लिया, लेकिन अब जब जैनब ने 1.5 ईयर्स क्रॉस किया, जैनब को पीरियड चाहिए था, तो जैनब ने अब फीडा लेना शुरू किया है। तो आई एम ओके विद दैट, जैनब अब फीडा ले रही है, लेकिन दूध जा रहा है तो इट्स ओके, अभी टाइम है, शी कैन टेक द फीडर, इट्स ओके। तो ये थे आज के वीडियो, आई होप आपको ये यूजफुल लगे, और जो है अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो, जो अभी प्रेग्नेंट हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, और अल्लाह ताला उनको खैर खैर से और प्यारे प्यारे से मुन्ने चुनने दें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।